देखो बीबी जी ने वो जड़े बनते आ क्योंकि पार्लीमेंट ही साड़ी देश की सर्वोच्च जी कह लिए लोकतंत्र का वो मंदिर कहने आप उ हर एक पार्लीमेंट के मैंबर ने समय समय सिर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होंगी है। तो बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बाखूबी वो सारे मुद्दे उत्थे उन्होंने नाल पार्लीमेंट ओपन डिबेट के सांझे किए। तो मैं समझदा अज जे मौके के हाकम आना गलों के उत्ते गौर भी करना चाहिए। गौर मैं इस करके कहना कि जल्द पारशैलिटी होंगी आ उस वेले मनुखन फिर रोस भी पैदा हों। तो पारशैलिटी साढ़े नाल की आ हुण कल परसों साढ़े पिछे एक अपने पुनर रख अपने साचा गुरु लाधोरे बाबा बकाला विखे उत्थे वड्डी कानफ्रेंस सी ते साढ़े 33 साल पूरे करके जिन्हों 34वां साल जेल दे विच हो गया भाई गुरदीप सिंह खैड़ा वह बेचारे बैठे सी। ते असीं सोचण डाए सी भी बंदे दी एक जवानी बच्चा पैदा हो के एजुकेशन लैके फिर वो अपने किते ते भी लग जाता बच्चे भी हो जाते इन्नी उम्र दे विच। ते फिर असीं किसे दा विरोध भी नहीं करते। कई पिछे गल चली फिर राजीव गांधी वाले जे उन्हें छड़ दिते ठीक आ जे उन्होंने कोई होर छड़े पर जिहड़े घिनौनियां हरकतां वाले आ जिन्हां दे विच हुण मैं नां लवां वार वार चंगा नहीं लगना उन्हां दा तां हक ही नहीं बनता हुंदा। ते जिहड़े राजसी हुंदे आ प्रिजनर उन्हां दा हक बनता। तो साढ़े तो बेचारे गए कौमी हितों लिए कोई जाति तौर पर तो किसी का कतल करके नहीं गए। तो फिर उन्होंने सज़ा भी पूरी हो गई आ तो बाकियों रिलैक्सेशन भी दिने तो सिखा दे फिर रोस आना कुदरती से सुभाविक ही आ। सो बीबी हुणी बहुत बाखूबी वो चक्या पर मैं मौके के हाकमों भी बेनती करदा असी आप भी मिले से उन्होंने भी ये जड़ा मुद्दा आ ये हल होना चाहिए क्योंकि ये सिखा की दुख की राग आ। 1984 ब्ल्यू स्टार जिन्हों आप कह दें ये ब्ल्यू स्टार नहीं सी ये सिखां दी नसलकुशी की शुरुआत सी जिहदी जा के फिर इन्हां ने पूरी कसर कढ़ी जा के फिर नवंबर के दंगियां दे विच दंगे ना मैं कह लवां नसलकुशी दे विच ये इन्हां दा एक चैप्टर सी लंबे समय का शुरू होया। सो मैं समझदा भई सिखां दे नाल हमेशा ही बेइंसाफी हुंदी आ पर ये मौके दे हाकमां ने देखना हुंदा भी किसे धिर नूं किदां सैटिस्फाई करना फिर बणदा भी हक आ। ह्यूमन राइट्स की भी वायोलेशन आ भी एक मनुखत एक धरती का कानून ये कहिंदा भी कानून मुताबक जो कोई बंदा ऑफेंस करता उन्हूं आ सज़ा मिलेगी तो इन्ने चिर कटूगा। तो सरकार नूं जरूर ये साडे बंदी सिंह बेचारे जिहड़े बैठे अंदर उन्हां ते जरूर गौर करना चाहिए तो रिलीज़ भी करनी चाहिए। प्रधान साहब हरियाणा कमेटी भाई ये महंत जी के जदा एलीगेशन लगे थे उदने अस्तीफा दे देना चाहिए सी पर हुण सिरा कहिंदे ना भी जो सिरा लग गया भाई पत्थर चट के मच्छी मुड़दी आ हुण जिदा उत्थे गालम गाली उत्थे होए जिदा वो मेहनत कहनी होए किन्नी वीडियो वायरल हुई तो फिर मैं समझदा भी हुण भी हाले ठीक किया भी हुण सिरा ला के भवां मुड़े आ तो पहले अस्तीफे दे देने चाहिए। देखो बीबी जी ने वो जड़े बनते आ क्योंकि पार्लीमेंट ही साड़ी देश की सर्वोच्च जी कह लिए लोकतंत्र का वो मंदिर कहने आप उ हर एक पार्लीमेंट के मैंबर ने समय समय सिर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होंगी है। तो बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बाखूबी वो सारे मुद्दे उत्थे उन्होंने नाल पार्लीमेंट ओपन डिबेट के सांझे किए। तो मैं समझदा अज जे मौके के हाकम आना गलों के उत्ते गौर भी करना चाहिए। गौर मैं इस करके कहना कि जल्द पारशैलिटी होंगी आ उस वेले मनुखन फिर रोस भी पैदा हों। तो पारशैलिटी साढ़े नाल की आ हुण कल परसों साढ़े पिछे एक अपने पुनर रख अपने साचा गुरु लाधोरे बाबा बकाला विखे उत्थे वड्डी कानफ्रेंस सी ते साढ़े 33 साल पूरे करके जिन्हों 34वां साल जेल दे विच हो गया भाई गुरदीप सिंह खैड़ा वो बेचारे बैठे सी। ते असीं सोचण डाए सी भी बंदे दी एक जवानी बच्चा पैदा हो के एजुकेशन लैके फिर वो अपने किते ते भी लग जाता बच्चे भी हो जाते इन्नी उम्र दे विच। ते फिर असीं किसे दा विरोध भी नहीं करते। कई पिछे गल चली फिर राजीव गांधी वाले जे उन्हें छड़ दिते ठीक आ जे उन्होंने कोई होर छड़े पर जिहड़े घिनौनियां हरकतां वाले आ जिन्हां दे विच हुण मैं नां लवां वार वार चंगा नहीं लगना उन्हां दा तां हक ही नहीं बनता हुंदा। ते जिहड़े राजसी हुंदे आ प्रिजनर उन्हां दा हक बनता।
तो साढ़े तो बेचारे गए कौमी हितों लिए कोई जाति तौर पर किसी का कतल करके नहीं गए तो फिर उन्होंने सज़ा भी पूरी हो गई आ तो बाकियों रिलैक्सेशन भी दिने तो सिखा दे फिर रोस आना कुदरती से सुभाविक ही आ सो बीबी हुणी बहुत बाखूबी वो चक्या पर मैं मौके के हाकमों भी बेनती करदा असं आप भी मिले से उन्होंने भाई ये जड़ा मुद्दा आ ये हल होना चाहिए क्योंकि ये सिखा की दुख की राग आ 1984 ब्ल्यू स्टार जिन्हों आप कह दें ये ब्ल्यू स्टार नहीं सी सिखा की नस्लकुशी की शुरुआत सी जिदी जा के फिर इन्होंने पूरी कसर कढ़ी जा के फिर नवंबर के दंगों के दंगे ना मैं कह लव नस्लकुशी के इन्हों का एक चैप्टर सी लंबे समय का शुरू होया सो मैं समझदा भी सिखा के नाल हमेशा ही बेइंसाफी होंगी आ पर ये मौके के हाकमों ने देखना होंगे भी किसी धिर को किदा सैटिस्फाई करना फिर बनता भी हक आ ह्यूमन राइट्स की भी वायोलेशन आ एक मनुखत एक धरती का कानून ये कहता भी कानून मुताबक जो कोई बंदा ऑफेंस करता उन्होंने आह सज़ा मिलेगी तो इन्ने चिर कटूगा तो सरकार को जरूर ये साढ़े बंदी सिंह बेचारे जिहड़े बैठे अंदर उन्हें तो जरूर गौर करना चाहिए तो रिलीज़ भी करनी चाहिए प्रधान साहब हरियाणा कमेटी भाई ये महंत जी के जिदा एलीगेशन लगे थे उदने अस्तीफा दे देना चाहिए पर हुण सिरा कहिंदे ना जो सिरा लग गया भाई पत्थर चट के मच्छी मुड़दी आ हुण जिदा उत्थे गालम गाली उत्थे होए जिदा वो मेहनत कहनी होए कितनी वीडियो वायरल हुई तो फिर मैं समझदा भी हुण भी हाले ठीक किया भी हुण सिरा ला के भवां मुड़े आ तो पहले अस्तीफे दे देने चाहिए देखो बीबी जी ने वह जोड़े बनते क्योंकि पार्लीमेंट ही साड़ी देश की सर्वोच्च जी कह लीए लोकतंत्र का वो मंदिर कहने उन्हों तो उ हर एक पार्लीमेंट के मैंबर ने समय समय सिर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होंगी है तो बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बाखूबी वो सारे मुद्दे उत्थे उन्होंने नाल पार्लीमेंट ओपन डिबेट के सांझे किए ते मैं समझदा आज जेडे मौके दे हाकम आ उन्हां नूं इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर भी करना चाहिए गौर मैं इस करके कहना कि जेले पारशैलिटी हुंदी आ उस वेले मनुख नूं फिर रोस भी पैदा हुंदा ते पारशैलिटी साडे नाल की आ हुण कल परसों साडे पिछे एक अपने पुनर रख अपने साचा गुरु लाधोरे बाबा बकाला विखे उत्थे वड्डी कॉन्फ्रेंस सी ते साढ़े 33 साल पूरे करके जिन्हों 34वां साल जेल दे विच हो गया भाई गुरदीप सिंह खैड़ा वो बेचारे बैठे सी ते असीं सोचण डाए सी भी बंदे दी एक जवानी बच्चा पैदा हो के एजुकेशन लै के फिर वो अपने किते ते भी लग जांदा बच्चे भी हो जांदे इन्नी उम्र दे विच ते फिर असीं किसे दा विरोध भी नहीं करते कई पिछे गल चली फिर राजीव गांधी वाले जे उन्हें छड़ दिते ठीक आ जे उन्होंने कोई होर छड़े पर जिहड़े घिनौनियां हरकतां वाले आ जिन्हां दे विच हुण मैं नां लवां बार बार चंगा नहीं लगना उन्हां दा तां हक ही नहीं बणदा हुंदा ते जिहड़े राजसी हुंदे आ प्रिजनर उन्हां दा हक बणदा ते साढ़े तां बेचारे गए कौमी हितां लई कोई जाति तौर ते किसे दा कतल करके नहीं गए ते फिर उन्हां दी सज़ा भी पूरी हो गई आ ते बाकियां नूं रिलैक्सेशन भी दिंदे आ ते सिखां दे विच फिर रोस आउणा कुदरती ते सुभाविक ही आ सो बीबी हुणी बहुत बाखूबी उह चक्किआ पर मैं मौके के हाकमों को भी बेनती करदा असं आप भी मिले से उन्होंने भाई ये जड़ा मुद्दा आ ये हल होना चाहिए क्योंकि ये सिखा की दुख की राग आ 1984 ब्ल्यू स्टार जिन्हों आप कह दें ये ब्ल्यू स्टार नहीं सी सिखा की नस्लकुशी की शुरुआत सी जिदी जा के फिर इन्होंने पूरी कसर कढ़ी जा के फिर नवंबर के दंगों के दंगे ना मैं कह लव नस्लकुशी के ये इन्हों का एक चैप्टर सी लंबे समय का शुरू होया सो मैं समझदा भी सिखा के नाल हमेशा ही बेइंसाफी होंगी आ पर ये मौके के हाकमों ने देखना होंगे भी किसी धिर को किदा सैटिस्फाई करना फिर बनता भी हक आ ह्यूमन राइट्स की भी वायोलेशन आ एक मनुखत एक धरती का कानून ये कहता भी कानून मुताबक जो कोई बंदा ऑफेंस करता उन्होंने आह सज़ा मिलेगी तो इन्ने चिर कटूगा तो सरकार को जरूर ये साढ़े बंदी सिंह बेचारे जिहड़े बैठे अंदर उन्हें तो जरूर गौर करना चाहिए तो रिलीज़ भी करनी चाहिए प्रधान साहब हरियाणा कमेटी भाई ये महंत जी के जिदा एलीगेशन लगे थे उदने अस्तीफा दे देना चाहिए पर हुण सिरा कहिंदे ना जो सिरा लग गया भाई पत्थर चट के मच्छी मुड़दी आ हुण जिदा उत्थे गालम गाली उत्थे होए जिदा वो मेहनत कहनी होए कितनी वीडियो वायरल हुई
तो फिर मैं समझता भी हूँ भी हाले ठीक किया भी हूँ सिरा ला के भवं मुड़े आ तो पहले इस्तीफे दे देने चाहिए।